बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से भाई मैं लाइव हूँ आपके साथ और आपको दे दूंगा आज के अपडेट। अपडेट ये है कि भाई सोशल मीडिया पर आपने बहुत सी न्यूज देख ली होगी, मैंने खुद अपने दोस्तों से बहुत सी खबरें सुन ली हैं जी। क्या खबरें हैं जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालात भाई खराब हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे हैं। हम यहाँ पर जो पाकिस्तानी मुकीम हैं, अभी हमको यहाँ पर परेशान किया जाएगा मुख्तलिफ बराई मराखल से, जैसा कि इकामा वगैरह या और भी कई किस्म के शोबे हैं। तो भाई ऐसी तमाम तर न्यूज को लेकर मैं आपके साथ वाजिया करता चलूँ यहाँ पर कि इस हफ्ते दिस वीक पाकिस्तानी चीफ जो आर्मी चीफ है हमारे कमर जावेद बाजवा साहब, वो यहाँ सऊदी अरब का विजिट कर रहे हैं। अभी वो भाई आज शाम या कल या जैसा भी उनको बेहतर लगेगा, भी हफ्ते इस हफ्ते का बोला गया है, इस हफ्ते वो सऊदी अरब का विजिट करेंगे किसी भी दिन। जो भाई आपको पहले बता रहे थे ना कि आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का विजिट कर लिया है, वो फेक न्यूज है। आर्मी मैं आपको अभी आपको न्यूज भी दिखा रहा हूं, आर्मी चीफ हमारे इस हफ्ते सऊदी अरब में आ रखे हैं। उसके बाद आज भाई सऊदी अरब के अम्बेसडर नवाफ बिन साइद मलकी, उनका नाम है जी नवाफ बिन साइद मलकी, सऊदी अरब के अम्बेसडर हैं जी। पाकिस्तान में वो मुकीम है, उनकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने आज हमारे वजीर अला पंजाब जो है जी उस्मान बुजदार साहब और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज अलाही साहब और हमारे गवर्नर सरवर साहब उनसे मुलाकात की है। और मुलाकात में भाई ये बताया है कि सऊदी अरब हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, और पाकिस्तान सऊदी अरब के हमेशा मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला। दोनों मुल्कों के दरमियान कोई किसी किस्म के तल्लुकात खराब नहीं हुए हैं। एक दो बातें हुई थी जरूर, वो मसला कश्मीर के मुतल्लिक शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो बात की थी, वो मैंने आपके साथ एक न्यूज एक वीडियो में शेयर कर दी थी। तो भाई अभी आर्मी चीफ भी हमारे इधर आ रखे हैं, जनाब मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान के तल्लुकात सऊदी अरब से भाई पहले से भी बेहतर होंगे, मजीद खराब वगैरह नहीं होंगे, ना ही पहले खराब थे। तो अपनी भाई आपको ऐसी किसी भी न्यूज पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के तल्लुकात पहले भी बेहतर थे और आने वाले वक्त में मजीद बेहतर होंगे इन न्यूज के मुताबिक जो मैंने आपको बता दिया है। सऊदी अरब के तल्लुक भाई आपको कोई भी और जानी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको भाई कोशिश करूंगा बेहतर तरीके से उसके मुतल्लिक आगाह कर सकूं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।